हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल सिम्पली इजी माई नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास टेन के बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फाइव द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट टू इसके हम लोग क्या करने वाले हैं इसके हम लोग ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू सॉल्व करने वाले हैं लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा देना आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा अगर नहीं लगेगा तो लाइक का बटन फिर से ले लेना ठीक है नहीं लाइक का बटन कहाँ लोगे कहीं लेना नहीं है बस चलो जो भी है कुछ कर कर देना चलो एंड यस मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस रेगुलरली मिलते जाएंगे तो इसके लिए ना आपको वो बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस करना पड़ेगा ठीक है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे एंड नोटिफिकेशन जब पहुंचेगा तब आप क्या करोगे हमारी वीडियो को पहले देख सकते हो बट एक और चीज़ है बेटा मेक श्योर sure कि आप मेरी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करना ठीक है बिकॉज वी बिलीव इन शेयरिंग राइट बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग ना चलो तो अभी हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अभी हम लोग फटाफट जल्द से फ़टाफट से एकदम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं सो ट्वेंटी फ़ाइव एम सी क्यूज़ हैं एंड मेक श्योर कि आपको ट्वेंटी से कम ना मिले ठीक है आपका स्कोर जो हो वो ट्वेंटी से कम ना हो एंड ये कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपका स्कोर कितना हुआ ठीक है कोशिश करना ट्वेंटी के ट्वेंटी से कम ना हो एंड एम वेरी श्योर कि आपके ट्वेंटी से कम नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े ईजी हैं ठीक है, है? बट हाँ अब एक जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है आज से ये होगा थर्टी डे चैलेंज ठीक है अच्छा अच्छा कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो जाए कि मैम ये तो थर्टी है तो थर्टी डेज़ होना चाहिए नहीं बेटा वो थर्टी डेज़ हम लोग वो नाउन के लिए हम लोग यूज़ करते चलो वो अलग बात है यहाँ पे ना एज एन एडजेक्टिव के हिसाब से हम लोग बिठा रहे हैं ठीक है थर्टी डे चैलेंज तो दैट इज़ वाई यहाँ पे एस वग़ैरह कुछ नहीं बैठता ये सिर्फ थर्टी डे चैलेंज ही बन के रहता है ये तो हो गए बाहर के ज्ञान अब मुद्दे पे आते हैं तो ये अक्टूबर का जो महीना है ठीक है ना तो ये अक्टूबर का पूरा महीना हाथ में लेके चलो मान लो तीस दिन ही हम लेते हैं ठीक है सो ये तीस दिन में मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपका सोशल साइंस और आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट करवाऊंगी एंड विथ क्वेश्चन आंसर्स तो आपकी तैयारी जो है एंड जो भी टिप्स एंड टिप्स ट्रिक्स जो भी होंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो सके एंड एंड uh, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकूँ चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ अच्छा मेक श्योर sure कि आप जब वीडियो के बीच में ना मैं क्वेश्चन देखने के बाद पॉज कर लो और अगर हो सके तो कोई पेन और नोटबुक भी ले लो अगर क्वेश्चन नोट करना है तो वो भी कर लो नहीं तो भाई आपको स्लाइड से भी मिल जाएंगे स्लाइड आपको मिलेगा कहाँ से वीडियो से ही मिलेगा खैर चलो अपना पहला क्वेश्चन है हु रोट द फर्स्ट लेटर टू मिस मैसन तो मिस मैसन जो थे उनको सबसे देखो अभी तक कहानी हमको क्या पता है कि वोंडा जो है वो चल चल गई है मतलब वो कहीं और गई है अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसी के क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है ना तो वो कहीं चली गई है बेसिकली वो जहाँ पर रहती थी वहाँ से चली गई है ठीक है तो पहला जो लेटर है मिस मैसन को किसने लिखा है ठीक है एंड इसका कैट आंसर है वोंडाज़ फ़ादर क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन वगैरह कोई एक लेटर वगैरह तो चाहिए होगा ठीक है तो वोंडा के फादर ने पहला लेटर लिखा था मिस मैसन को मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्यों बोला है क्योंकि आगे चल के हमारी स्टोरी में और एक लेटर का जिक्र भी होने वाला है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखा है ठीक है तो ध्यान से करना नेक्स्ट वट डीड अ लेटर कन्वे तो उस लेटर में लिखा क्या था मतलब लेटर से आपको मतलब इस मैसेन को क्या आइडिया दिया गया था टू ग्रांट लीव टू वॉन्डर दैट शी हैड लेफ्ट द स्कूल या शी हैड लेफ्ट द कंट्री ऑप्शन डी ऑल ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज दैट शी हैड लेफ्ट द स्कूल ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड मिस मैसेन रिएक्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर

वो भी सेम कुछ ऐसा था कि पेगी ने जो किया था वो उसी की तरह ही वो बराबर ही गलत था तो वो क्या था एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टेइंग साइलेंट वाइल पेगी टीज वॉन्टा क्योंकि देखो बच्चे लोग कभी भी अगर कोई भी आ, अगर यू नो you know, बदमाशी करता है या कोई बोलता है ना वो जुल्म करता है ठीक है तो कहा जाता है कि जो जुल्म करता है वो तो बुरा होता ही है लेकिन जो जुल्म सहता है या, या चुपचाप जो सुनता है या देखता है ठीक है वो भी इक्वली भागीदार होता है ठीक है तो जब पेगी वोंडा को टीस कर रही थी तब तो मैडी का भी ये एक फर्ज बनता था कि जाके वो पेगी को रोके बट उसने नहीं रोका था उसने क्या किया था वो बस चुपचाप खड़ी थी और पेगी का साथ भी दे रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन मैडी थॉट a एज मैडी थॉट herself एज अ डैश क्या होगा यहाँ पे अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी कावर्ड ठीक है यानी कि वो खुद को कायर समझती थी और ये समझना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि वो सच में कायर ही थी इट एंड आपको एक और चीज़ पता है हमारी जो स्टोरी की जो हमारे ऑथर है हमारे जो राइटर है वो खुद मैडी थे ठीक है उनके वो जो छोटे थे बचपन में भी उनके साथ यही सेम चीज़ हुई थी एंड ये आप बोल सकते हो गिल्ट में उन्होंने ये स्टोरी भी लिखा था तो हालांकि मुझे तो इतना ही पता है कि ये मैडी जो है ये और कोई नहीं बल्कि हमारे ऑथर ही हैं एलिना ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाई डिड मैडी थिंक पेगी वाज बेटर मैडी को ऐसा क्यों लगता था कि पेगी जो है वो मैडी से बेहतर है ऑप्शन नंबर ए पेगी हैड एंड कंसिडर दैट देर बींग मीन टू वांडा यानी कि पेगी तो भाई उसने कुछ ये ही नहीं किया था केयर ही नहीं किया था कि वो मतलब वोंडा की तरफ थोड़ी मीन हो रही है ठीक है यानी कि थोड़ी क्या बोलते हैं मीन का मतलब अब हिंदी में क्या बोल सेल्फिश बोल लो ठीक है देन ऑप्शन नंबर बी पेगी वॉज सॉरी फॉर अवियर ऑप्शन नंबर सी पेगी इंसिस्टेड मैडी इंसिसटेड पेगी टू डीज मैडी ये क्या था ये ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एंड नंबर दंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट पेगी पेगीडर बींग मीन टू वोंडा पेगी को ये समझ में नहीं था कि वो लोग वोंडा के साथ कुछ गलत कर रहे हैं ठीक है और यही चीज़ मैडी को लगता है कि इसी के वजह से पेगी मैडी से बेहतर है क्योंकि मैडी को पता था कि वो गलत कर रही है पेगी बट फिर भी वो चुप थी तो इसीलिए एक्चुअली अगर कोई गलती यहाँ पर कर रहा है तो वो है मैडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेर डिड फैमिली मूव वॉन्डर की फैमिली कहाँ चली गई थी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टू अ बिग सिटी ठीक है एक दूसरे शहर में गई थी दूसरे कंट्री में नहीं गई थी दूसरे शहर में गई थी और वो बॉगेंस हाइट्स में रहती थी नेक्स्ट सो पेगी सेम आइडिया मैडी ग्लोड वॉट वॉज द आइडिया अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मतलब एक सेंटेंस है उठा के दिया गया है यहाँ पे कि सो पेगी है द सेम आइडिया मैगी ग्लोट तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि ऐसा क्या आइडिया आइडिया था जिसको सुन के मैडी जो है वो खुश हो गई यहाँ पे ग्लो का मतलब क्या है खुश हो जाना ठीक है देखना जब हम लोग खुश होते हैं हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है है ना तो यहाँ पे उसी ग्लोड की बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए टू राइट अ लेटर टू वॉर्न ऑप्शन नंबर बी टू टीज वॉन्डा ऑप्शन नंबर सी टू गो टू बॉग इन टू फाइंड वांडा ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एंड द करेक्ट आंसर इज टू गो टू बॉग इन साइट्स टू फाइंड वा नेक्स्ट वट डिड दे फाइंड आफ्टर रीचिंग देयर जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पे दे का मतलब क्या है पेडी और मैगी एंड आफ्टर रीचिंग देयर का मतलब यहाँ पे क्या है जहाँ पे वॉन्डअप पहले रहती थी यानी कि बॉगन साइड्स में ठीक है तो वो वहाँ पे पहुँच के क्या देख रहे हैं ऑप्शन ए दैट वॉन्डअप वो स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट ऑप्शन बी दैट पिट्रॉन्स की इज ऑप्शन सी दैट द हाउस इज नॉट दियर ऑप्शन डी दूडेंट रीच देयर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट द पिट्रॉन्गॉन ठीक है यहाँ पे पिट्रॉन्सकी किसके बारे में बोला जा रहा है ये पूरे पिट्रॉन्स की फैमिली के बारे में बोला जा रहा है एंड दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हेयर एस ठीक है प्लूरल यहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पिट्रॉन्सकी के बारे में बात की जा रही है चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग और फॉलोइंग्स रिगार्डिंग वंडर्स हाउस इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा सही नहीं है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नन ऑफ दट इज़ अ लिटल व्हाइट हाउस ये बिल्कुल सही था द हाउस एंड इट्स पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन ये दोनों के दोनों सही है बट क्वेश्चन अपने क्या बोला था नॉट ट्रू नेक्स्ट वाउस रिमाइंडेड मैडी और वॉन्डर्स डैश वांडा का जो घर था वो मैडी को क्या याद दिला रहा था मैडी को वॉन्डा का कौन सा चीज याद दिला रहा था एंड अपना करेक्ट आंसर है फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस उसका है ना वो एक कॉटन ड्रेस पहनती थी उसका रंग एकदम आ, फीका पड़ चुका था ठीक है आयरन किया हुआ नहीं रहता था बट क्लीन रहता था तो सिमिलरली वो हाउस देख के भी मैडी को वही वोंडा की वही ड्रेस के बारे में याद आ रही थी नेक्स्ट वॉट एक्सक्यूज डिट पेगी गिव इन सपोर्ट ऑफ अर बिहेवियर अब पेगी ने अपने बिहेवियर के सपोर्ट में ऐसा क्या एक्सक्यूज दिया कि हाँ हाँ भाई मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ ठीक है ये कौन सा एक्सक्यूज उसने दिया था ऑप्शन ए वॉन्डो गॉ द आइडिया ऑफ हंड्रेड ड्रेसेस वेन पेगी आस्ट ऑप्शन बी वॉन्डो वन द कंटेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ पेगी ये ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ये ऑप्शन डी नन ऑफ दी एव और अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेगी को ऐसा लगता था कि अरे देखो मैं उसको चिढ़ाती थी उसको बुली करती थी तभी तो मेरे दिमाग में वोंडा के दिमाग में इन इन हंड्रेड ड्रेसेस का ख्याल आया ठीक है और मेरी ही वजह से वोंडा जो है वो कंटेस्ट में जीत गई मतलब शाबाश पेगी क्या बात है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शीड रिचड एंड इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन

तो मैडी ने ये मैडी ने ये डिसीजन लिया कि देखो अब जो है मैं किसी को भी बुली करने नहीं दूंगी अगर क्योंकि उसने वही गलती किया था ना कि पेगी मैडी को चिढ़ा रही थी बट वो चुपचाप खड़ी थी बट अब उसने डिसीजन लिया था कि नहीं अब वो चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी वो आवाज़ उठाएगी नेक्स्ट हु रोट अ लेटर टू वोंडा वोंडा को लेटर किसने लिखा था ऑप्शन नंबर डी यानी पेगी और मैडी दोनों ने मिल लिखा था ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे ठीक है ना ये होते हैं ना वो सीता गीता चुन्नू मुन्नू वो वो दो बेस्ट फ्रेंड्स टाइप के हाँ तो उसी दो टाइप के वो बेस्ट फ्रेंड थे जो भी करते थे साथ ही करते थे लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में इवन इफ वो टॉयलेट भी जाएंगे ना तो वहाँ पर भी उनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो जाएगा ठीक है या जाएगी तो वही वाले तो उन्होंने लेटर भी लिखा तो साथ में लिखा ठीक है नेक्स्ट वर्ट डिड द राइट इन द लेटर उन्होंने लेटर में क्या लिखा था अबाउट द कंटेस्ट कंटेस्ट के बारे में लिखा था या लिखा था कि वोंडा जो है वो जीत गई थी ये ऑप्शन सी लिखा था कि कि उसकी ड्राॅइंग्स कितनी खूबसूरत है मतलब ये सही है भई बहुत बढ़िया क्या बात है ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ दवर हाँ बेटा ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर ठीक है मतलब पहले उसको बुली करो फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उसके उसने हंड्रेड ड्रेसेस बनाए हैं फिर अब उसको शाबाशी दे रहे कि हाँ भाई तुम कंटेस्ट भी जीत चुकी हो और तुम्हारी ड्रॉइंग्स बड़े प्रिटी हैं ठीक है ठीके? तो इसलिए कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट वैट डिड दे मेल द लेटर उन्होंने लेटर वो जो देखने के एड्रेस होता है राइट कि आप कहाँ पे भेजना चाहते हो तो वो कहाँ उन्होंने भेजा वो जो वोंडा को जो लेटर लिख रहे थे ऑप्शन नंबर ए टू बॉगिन साइड्स ऑप्शन नंबर बी टू हर न्यू स्कूल ऑप्शन नंबर सी टू हर न्यू एड्रेस ऑप्शन नंबर डी टू हर ओल्ड स्कूल एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन टू बॉगिन साइड्स क्योंकि उन्हें न्यू एड्रेस पता ही नहीं था तो वो लिखें कैसे राइट नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वाई डिड दे थिंक वोंडा डिड इंट रिप्लाई तो कुछ दिन तक तो वोंडा का कोई मैसेज नहीं आया कुछ नहीं मैसेज तो खैर वो नहीं होता वो लेटर होता है राइट तो वोंडा का कोई लेटर वेटर कुछ नहीं आया तो उन्होंने उनको क्या लगा कि वोंडा ने क्यों रिप्लाई नहीं किया ऑप्शन नंबर ए शी डिड इंट नो हाउ टू राइट अ लेटर ऑप्शन नंबर बी शी वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देव उनको लगा कि हाँ भई ऑब्वियसली हमने उसको इतन, उसका इतना मजाक उड़ाया तो शायद वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी एंड उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा देखो ये तो लगेगा ही किसी हर इंसान को लगेगा है कि नहीं कोई बोले या ना बोले बट लगेगा तो ज़रूर नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट लेटर टू मिस मैसन फॉर द सेकेंड टाइम याद है फर्स्ट टाइम वोंडा के पापा ने लिखा था सेकेंड टाइम किसने लिखा था खुद हमारी वोंडा ने लिखा था नेक्स्ट द फ्रेज पिकिंग एट मीन ये जो पिकिंग एट आप सुन रहे हो ना यहाँ पे लिखा गया है तो ये पिकिंग एट समवन का मतलब क्या है इस फ्रेज का मतलब क्या है एक सेकेंड कहाँ गया हाँ यस एंड ऑप्शन नंबर ए इज करे ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली किसी को अनकाइंडली ट्रीट करना इज द करेक्ट आंसर ये पिकिंग एट समवन का मतलब क्या है किसी को बहुत ही रफ तरीके से बुरी तरीके से ट्रीट करना ठीक है अच्छा बिहेवियर ना करना नेक्स्ट व्हाई मिस मैसन वाज ग्लैड टू रिसीव द लेटर मिस मैसन इतनी खुश क्यों होगी उस लेटर को पाके मतलब वोंडा का लेटर जो सेकंड लेटर आया था ना फ्रॉम वोंडा तो वो लेटर पाके क्यों खुश हो गई थी ठीक है एंड हियर आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज़ शी गॉट द न्यू एड्रेस ऑफ वोंडा ऑप्शन बी शी कुड सेंड हर द मेडल एंड इसलिए उसकी जो मैम थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी नेक्स्ट वट इज़ कॉर्नोकोपिया कॉर्नोकोपिया का मतलब क्या है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इट्स अ डेकोरेटिव जार आपने वो बकरी के हॉर्न देखे ना किस तरीके से होता है ठीक है तो ये भी इसी तरीके से ही होता है एक डेकोरेटिव जार होता है फाइन एंड इसके अंदर में ना ये फ्रूट्स Uh, फिर फ्लावर्स ऐसे बहुत भरे पड़े रहते हैं और एकदम ओवरफ्लो करते हैं ठीक है ऐसे ओवरफ्लो करते हैं पूरा तो ये एक साइन है मतलब खुशहाली का साइन है ठीक है मतलब सब कुछ शांति अमन सब कुछ एकदम खुशहाली सब भरी हुई है उसका तो एक साइन है तो एक डेकोरेटिव कंटेनर है uh, काम करना थोड़ा गूगल पे कॉर्न कॉपी करके सर्च करना वहाँ पे आपको इसका पिक्चर मिल जाएगा आई शुड हैव पुट दैट पिक्चर हियर कोई बात नहीं मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन जब दूंगी तो मैं इसका पिक्चर भी दे दूंगी डिड विडर टेल मिस मैसन इन हर लेटर मिस वॉन्डर ने मिस मैसन को क्या लिखा था अपने लेटर में ऑप्शन ए हर न्यू टीचर डिज नॉट इक्वलाइज विथ हर ऑप्शन बी टू डिस्ट्रीब्यूट द अमंग द गर्ल्स ऑप्शन सी मिस ऑप्शन डी ऑल ऑफ ऑफर एंड यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हाउ डिड मैडी रियक्ट आफ्टर गेटिंग हर ड्रॉइंग मैडी को जब उसका ड्रॉइंग मिला तब तो उसने कैसे रियक्ट किया वॉज yeah, पहले होता बी वो पहले होता है वाई वॉज मैडी सैड आफ्टर गेटिंग द्रॉइंग ठीक है तो so, मैडी क्यों ज्यादा मतलब इतनी अपसेट होगी ड्रॉइंग को मतलब ड्राइंग को जब उस ड्राॅइंग जब उसको मिला तो उसके बाद वो कितनी सैड हो गई क्यों एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दैट शी न्यू शुड नेवर सी वोंडा अगेन उसको ये पता चल गया था कि हाँ भाई अब वो वोंडा से कभी नहीं मिल सकती एंड दैट इज द रीजन दैट शी वॉज अपसेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एंड आवर लास्ट क्वेश्चन दैट मैडी फाउंड दैट द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग डैश मैडी ने देखा कि वो जो ड्राइंग में जो फेस और जो हेड था वो क्या था यस ऑप्शन नंबर बी जस्ट लुक्ड लाइक ह मतलब मैडी की तरह ही वो रिजम्बल कर रहा था यानी कि वोंडा ने पहले ही सोच के रखा था कि ये ड्राइंग किसको देनी है एंड ये उसने मतलब बोलते ना वो पर्सनलाइज ड्राइंग जो होता है वो उसने किया था सो सी हाउ ब्यूटिफुल वोंडा इज है ना उसका दिल कितना खूबसूरत है बढ़िया है मतलब बड़ी कमाल की बच्ची है मैं होती तो मतलब थप्पड़ मार देती मेरे को अगर कोई बुली बुली करता तो वो तो इतना चुपचाप थी शांत थी ऊपर से जिसने उसको इतना बुली किया उसको उसने ड्रॉइंग भी दे, वो देखे गई मतलब सल्यूट टू हर चलो सो यस थैंक यू सो मच आई होप यू ऑल इंजॉय टूडेज सेशन अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना शेयर करना बच्चा शेयर करना सबके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और येस yes, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मैंने देखा आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो बड़े पैसे लगते हैं क्या सब्सक्रिप्शन में नहीं लगते हैं ना तो सब्सक्राइब कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतने एम से क्यूज़ मिल रहे हैं तो क्यों नहीं करना है भाई ठीक है सब्सक्राइब करो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा सब कुछ मिलने वाला है एंड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो